हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सलीम चारणिया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हमारे सामने है फ्रेंड्स कंपनी का इंडक्शन, जिसमें दोस्तों एरर 9 शो कर रहा है। अभी देखिए, मैं यहाँ से पावर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एरर 9 शो कर रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने सिर्फ इसका कवर ओपन किया है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इसको ओपन करके तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम अब कॉइल को ओपन कर लेते हैं। इसमें दोस्तों एरर 9 शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम बन सकता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ब्रिज से जो निकला हुआ ग्राउंड रहता है, कई बार वो डिसकनेक्ट रह जाता है। उसकी वजह से जो है आगे सप्लाई में ग्राउंड नहीं मिलता है और इस कारण से भी एरर 9 रहता है। लेकिन जो है दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी कुछ जला हुआ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी स्पार्क नहीं है। अभी मैं आपको चेक करके वोल्टेज दिखा देता हूँ, उसके बाद हमें पता चलेगा इसका प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर के ऊपर वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ मल्टीमीटर को दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने डीसी 1000 वोल्ट पर सेट कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा ब्रिज रहता है, तो ब्रिज के ऊपर हम वोल्टेज को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 5 mFd का एक कंडेंसर रहता है जो कि ख़राब बन जाता है, तो उसके वजह से जो है यहाँ पर एरर 9 शो कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें ब्रिज के ऊपर डीसी वोल्टेज चेक करना है। देखिए, यहाँ पर 350 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 100 वोल्ट हमारे बूस्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 255 वोल्ट हमें एसी दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 350 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है फिल्टर हमारा सही है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर IGBT तो हमारा ख़राब नहीं है, वरना जो है IGBT ज़्यादातर तो दोस्तों शॉर्टिंग ही बनता है। IGBT जो है वो कभी ओपन नहीं बनता है, और ज़्यादातर दोस्तों शॉर्टिंग बनता है। तो अभी इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, तो अभी हमें जो है कॉइल की सप्लाई भी चेक कर लेनी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कॉइल की सप्लाई चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो है कॉइल की सप्लाई के ऊपर देखिए, यहाँ पर 350 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डीसी वोल्टेज ही रहता है। यहाँ पर ब्रिज से जो निकला है दोस्तों पॉजिटिव, वो यहाँ पर कॉइल के ऊपर रहता है, और दूसरा वाला पिन जो है दोस्तों यहाँ पर रहता है। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब कि कॉइल से वोल्टेज पास नहीं हो रहे हैं, यानी कि कॉइल डिसकनेक्ट है। अभी कॉइल का पॉइंट रहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, तो कॉइल का पॉइंट तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर हमें सप्लाई मिल रही है, यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ कॉइल के जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम बन सकता है। तो चलिए, कॉइल का कनेक्शन मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। कई बार इसके अंदर दोस्तों स्पार्किंग बन जाता है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर कॉइल डिसकनेक्ट रहती है और एरर 9 शो करता है। तो अभी इसके अंदर दोस्तों कई बार ये देखिए स्लीव लगी हुई है, इसके अंदर भी स्पार्किंग बन सकता है। तो आपको जो है ऐसे जो है मुड़कर देख लेना है, यहाँ पर कई बार कनेक्शन जो है कट जाता है। तो अभी इसके अंदर मुझे कहीं पर पता नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर दोस्तों मैं स्लीव को निकाल कर ही आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो कनेक्शन बिल्कुल सही है, तार हमारा कटा नहीं है। अभी ये दूसरी वाली स्लीव को भी निकाल कर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखें दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा कनेक्शन सही है। अभी जो है दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यूटी पर लगाकर इसका ओम्स भी दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पर दोस्तों, ओम्स ही नहीं बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर कॉइल का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कौन सा कनेक्शन अभी यहाँ पर नहीं कनेक्ट है वो देखने के लिए हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंसुलेशन निकालना होगा। तो देखिए ये वाला कॉइल दोस्तों कॉपर का है, यानी ओरिजिनल कॉइल है। तो अभी इसके अंदर इंसुलेंस हम निकाल कर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिप लगी हुई है, तो क्लिप के अंदर जो है इंसुलेशन रह जाता है, तो ये इसका जो है कनेक्टिविटी नहीं बनता है। लेकिन जो है हमें पॉइंट को पता करना है कि कौन से वाला पॉइंट हमारा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर दोस्तों कंपनी से जो है इंसुलेशन यहाँ पर जो है अच्छे से नहीं रहता है, तभी ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों नहीं दिखा रहा है। अभी हम जो है स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन को ही चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो यहाँ पर इंसुलेंस निकाला है, तो यहाँ इंसुलेशन के आगे कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों कनेक्शन हमें सही दिखा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर दोनों कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें कॉइल को चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉइल को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉइल भी जल चुका है। देखिए तार जो है यहाँ से निकलकर थोड़ा आगे आ चुका है, और अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है तार कट चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ स्पार्क हुआ होगा, देखिए यहाँ पर तार कट चुका है, मतलब कि यहाँ से कॉइल हमारा कनेक्शन छोड़ दिया है। तो अभी ये वाला कॉइल है दोस्तों, उसका ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है एरर नहीं शो करता है। अभी देखिए दोस्तों, मेरे पास ये वाला कॉइल है, अभी एल्यूमिनियम का है दोस्तों, लेकिन जो है मैं इसको लगाकर चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर दोस्तों मैं जो है जब भी कॉइल नहीं लगाता हूँ, कॉपर का ही कॉइल यूज़ करता हूँ। अभी ये इंडक्शन का मेरे पास पड़ा है, तो मैं इसको लगाकर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। एल्यूमिनियम का कॉइल दोस्तों ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पार्किंग बन जाता है, या फिर जो है ज़्यादा हीटिंग के वजह से आईजीबीटी को भी ख़राब कर देता है और कॉइल भी ख़राब बन जाता है। इसलिए जो है दोस्तों मैं कॉपर का ही कॉइल यूज़ करता हूँ। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं फिर से, इसमें एरर नहीं शो करता है, या फिर हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों सॉल्यूशन मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर एरर ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों कॉइल का ही प्रॉब्लम था, अभी हमने एरर नाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी मैं इसके ऊपर दोस्तों बर्तन रखकर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब जो है ब्लो कर रहा है, मतलब कि हमारा इंडक्शन जो है दोस्तों सही वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने एरर 9 का सॉल्यूशन कर दिया। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो है दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर।